आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 27 जून के श्री प्रदान की। परमपिता परमात्मा समझते हैं कि उन्होंने हमें आध्यात्मिक रूहानी जन्म जो दिया है उसको हम एक नया जन्म लेकर के चले। मतलब कि हम अभी अभी पैदा हुए हैं, पैदा मतलब शरीर के हिसाब से नहीं, पैदा मतलब कि हमारे अंदर रूहानियत भरी है। फिर से हम फिर से आत्मा रूप में स्थित होना शुरू हुए हैं और देह के भान को आस्ते आस्ते छोड़ते जा रहे हैं। तो परमात्मा इन्हीं वचनों को लेकर के आज के वरदान में कहते हैं, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ, सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी, ये फर्श हो गए, फर्श से ऊपर अर्श निवासी फरिश्ता भव। जैसे बाप अवतरित हुए हैं, परमात्मा धरती पर अवतरित हो चुके हैं, ज्ञान बांट रहे हैं और बस थोड़ा सा समय रह गया है, 12-13 वर्ष, उसके बाद में फिर नए युग की स्थापना शुरू। वैसे देखा है तो हो ही रही है, लेकिन उसके बाद में फिर परिवर्तन भी होगा। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे बाप अवतरित हुए हैं परमधाम से, आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। हम भी ऊपर से नीचे, परमात्मा ने हमें देह के अभिमान से आत्मा अभिमान में डालने से सीधा परमधाम पहुंचा दिया। हम नीचे की सोचते थे दुनिया की, परमात्मा ने हमें ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर पहुंच करके हम अवतरित हुए हैं, परमात्मा कहते हैं, रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। हम रहने वाले कहाँ के हैं? सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हैं। देह भान रूपी मिट्टी, जो देह भान की रूपी मिट्टी है, अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते। देह भान मिट्टी रूपी देह भान जो है हमारा, वो हमारा आ नहीं सकता। मतलब कि हमें अभिमान, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत आ नहीं सकता, अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते। पृथ्वी की बातों में, पृथ्वी की चीजों में फंसना, इस पर हमारे बुद्धि रूपी पांव इसमें ज्यादातर फंस नहीं सकते। हम इन चीजों से ऊपर रहते हैं क्योंकि हमने ये सारी चीजें परमात्मा पर छोड़ दी हैं। परमात्मा कहते हैं, तुम हल्के हो करके कर्म करो और उनकी सेवाएं करो और उनको परमात्मा से जोड़ो, और तुम्हारा जो काम है वो, जो बोझ तुम अपना समझ लेते हो मेरा है, उसको मैं उठा लेता हूँ। इसलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। ना फर्श की बातों में अटकते नहीं है, उनका जो विजन होता है, सोच होती है उनकी, बहुत बड़ी होती है उनकी। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले, अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। तो हमारी स्थिति ऊंची तभी रह पाएगी जब हम फर्श की बातों से ऊपर उठेंगे। हम छोटी छोटी बातों में फंसेंगे नहीं, हम छोटी बातों से ऊपर उठेंगे और परमात्मा को बोलेंगे, परमात्मा मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे साथी, आप इन बातों को आप संभालो, आप आइडिया दो, आप हमें हल्का छोड़ो, हमें इसमें ज़्यादा बुद्धि लगानी नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो परमात्मा को ये देना ही मतलब क्या हो गया, परमात्मा हमें फिर अच्छे से राइट गाइडेंस और डायरेक्शन देंगे और हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी ज़्यादा सोच कहाँ जा रही है, सेवा कैसे करें, परमात्मा का ज्ञान और तक कहाँ पहुँचाएँ, कैसे पहुँचाएँ, उसमें हल्के होने की ज़रूरत है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, तो अब आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। हम अभी अवतरित हुई आत्माएं, हम पवित्र आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है, हमारे कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। परमात्मा हमारा साथी है, हमें परमात्मा का कार्य करना है, परमात्मा हमारा कार्य करवा लेगा। हम हमारे द्वारा करना भी है लेकिन करवा लेगा, गाइडेंस दे करके, लोगों को जोड़ करके, सही आत्मा को जोड़ करके, वो हर कार्य धरती पर होने वाला फर्श वाली बातें वो संभाल देगा। हमें अर्श में रहना है, तो ये प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, और एक दिन ऐसा आ ही जाएगा जब हम इन छोटी छोटी बातों में फंसेंगे नहीं, हम इन चीज़ों से ऊपर उपराम हो जाएंगे 100%। यही सब कुछ सीखते हैं ब्रह्म कुमारी इसमें, आप भी आकर सीखिए। ओम शांति इसके साथ।